कैंची ने टंगा दी थी ब्लॉक को। हाँ, कंपैक्शन से होगा, मतलब रोलर चला के। रोलर चला के हाँ। तब बैंक कहाँ था? बैंक कहाँ खाता? कौन बैंक में है खाता? अरे बताओ ना। एक आदिवासी मुख्यमंत्री को कैसे जनता के चुना हुआ सरकार को कैसे परेशान किया गया? गढ़वा विधायक व झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने चीनिया प्रखंड के डोल पंचायत अंतर्गत चपकली गांव के नावानगर टोला में सर्प दंश से मृत तीन बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का चेक गुरुवार को प्रदान किया। मंत्री चीनिया प्रखंड के अति दुर्गम सुदूरवर्ती नावानगर में पैदल चलकर मृतक बच्चों के परिजनों के घर पहुंचे। वहीं मंत्री ने परिजनों का हालचाल लेते हुए उन्हें संतावना दी। ज्ञात हो कि गत 6 सितंबर को नावानगर निवासी बंधु कोरवा के पुत्र पन्ना लाल कोरवा, सूर्यदेव कोरवा की पुत्री बेबी कुमारी एवं श्रवण कोरवा का पुत्र रामलाल कोरवा की सर्प दंश से मौत हो गई थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने डीसी शेखर जमुआर को यथाशीघ्र परिजनों को मुआवजा राशि प्रदान करने का निर्देश दिया था। डीसी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 20 दिनों के अंदर पीड़ित परिवार को मुआवजा की राशि प्रदान कर दिया। परिजनों को संतावना देते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह बहुत ही बड़ी दुखद घटना है। वे हमेशा पीड़ित परिवार के साथ हैं, भविष्य में भी उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने दी जाएगी। मंत्री ने कहा कि इस गांव में तत्काल सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, साथ ही पीड़ित परिवार को अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। झारखंडी सोच वाली सरकार, आपको हक अधिकार दिलाने वाली सरकार, और हमारी सरकार ने आपके माननीय मुख्यमंत्री जो दिशम गुरु शिवु सोरेन जी, जो आपको अलग राज्य दिलाए, और उन्हीं का बेटा हेमंत सोरेन जी को आप लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया 2019 में, और पहले दिन से यहाँ के गरीब गुरुआ, यहाँ के जो छोटे वंचित वर्ग के लोग, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जो हमारे दलित है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, उनके लिए योजना लागू होने लगा। दूसरा तो हम लोग का कोरोना में भी मिल गया, और दूसरा के बाद जब काम करने का समय मिला तो कैसे एक आदिवासी मुख्यमंत्री को, कैसे जनता के चुना हुआ सरकार को कैसे परेशान किया गया, कैसे जेल भेज दिया गया बिना कोई गलती के। कोई गलती नहीं था, गलती यही था कि वो आदिवासी था, वो राज्य के बनाने वाले का बेटा हेमंत सोरेन था, और वो आपको हक अधिकार दे रहा, गरीब को जगाने का काम कर रहा था, इसे जेल भेज दिया 5 महीना तक बिना कोई गलती के जेल। लेकिन आपका मुख्यमंत्री उसी का बेटा है जो जेल जाने से नहीं डरा, पुलिस का लाठी गोली खाने से नहीं डरा, आपको राज दिलाया, बोले कि हम लोग जेल भेजने का बात करा तो फांसी पर भी लटका देगा, फांसी पर भी लटका देगा, तब भी हम झारखंड के अपने आदिवासियों, यहाँ के जो हमारे मूल वासी, यहाँ के जो हमारे पिछड़े दलित है, उनके हक अधिकार से कोई समझौता नहीं करेंगे।